फैमिली व्हाट्सअप नमस्कार के सत्याकाल स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल रॉकी अनीस ब्लॉग में। मैं हूँ आप सबका छोट भाई अनीस और आप सब देख रहे हैं अपना एक प्यारा से यूट्यूब चैनल रॉकी अनीस ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इमोशनल हो सकता है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का जो मतलब कि सब बच्चे का फेवरेट मैम थी वो क्या नाम था मंजू मैम वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही है। अब पता ना प्रमोशन हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसको हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अभी ब्लॉग को एंजॉय कीजिए बहुत मज़ा आएगा इसमें और काफ़ी थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है आप लोग क्योंकि सब बच्चा का वो फेवरेट मैम थी। और इसके आगे कंटिन्यू देखिए फिर हम आपसे लास्ट में बात कर रहे हैं कि क्यों मैम जा रही है। अगर मैम इस वीडियो को देख रही है तो मैम आपको सब कोई मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है क्योंकि आप सबके सब बच्चे के दिल में थी क्योंकि सब बच्चे आपको मतलब फेवरेट मानता था। तो चलिए गाइस पहले देखिए उसके बाद आपसे हम लास्ट में मिलते हैं कि क्यों मैम यूनिवर्सिटी छोड़ के गई क्या प्रॉब्लम हुआ या प्रमोशन हुआ। ठीक है देखते रहिए। यहाँ पर गाइज मैम केक काट चुकी थी और अब बोल रही थी कि आप यहाँ पर फोटो शूट हो रहा था पर सभी कोई स्प्राइट अभी पी रहे थे अभी फैकल्टी लोग पी रहे थे उसके बाद से स्टूडेंट लोग पी रहे गाइज यहाँ पे लगातार फोटो पे फोटो शूट हो रहा है देख सकते हैं कैसे फोटो शूट हो रहा है। फाइनली गाइस मैम का विदाई हो चुका है देख सकते हैं जा चुकी हैं अपनी बहुत प्यारी मैडम थी और आज अपने अनीश भाई बोलेंगे आगे इसके बारे में। अब रोएगा ना सब कोई आज रोएगा रात में आंसू आ रहा है। मैडम तो बहुत अच्छी थी पर क्या करें दिल बहुत जाने का मन है अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें का आप लोग क्या बोल सकते हैं। मैडम जा रही है मैडम कहाँ जा रही है हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के ट्रांसफर हो गया उनका कहीं और बहुत ही गर्व की बात है मुझे फिर दुखी भी हो रहा है कि हम लोग छोड़ के चली गई है। चलो लेकिन
यहाँ पर गाइज थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा। आप लोगों को वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। और मैम हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गई है और पता ना मैम लाइफ में कभी मिलेगी या नहीं, वो तो समय बताएगा। बट अभी सब को इमोशनल है क्योंकि सब बच्चे का फेवरेट मैम थी, क्या बताऊँ। और उनके बारे में जो कुछ भी कहूँ मेरे लिए सब नहीं है बोलने के लिए, इतनी अच्छी मैम थी। और चलिए एनीवे कोई बात नहीं, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी हमारे नए चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ एक बात बताना भूल गए, मैम क्यों गई, उनका प्रमोशन हुआ या ऐसा बात नहीं है, मैम का प्रमोशन हो गया किसी और अच्छे कॉलेज में, वहाँ पर मैम गई है और कोई दूसरा कारण नहीं था, बस प्रमोशन हुआ था। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग में, सुनाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।